दोस्तों हमारे साथ पंकज जी हैं और पंकज जी आज कक्षा 9 को गणित पढ़ाने जा रहे हैं। पंकज जी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? आज हमारा विषय है चतुर्भुजों व त्रिभुजों के क्षेत्रफल, जिसमें हम चतुर्भुजों, समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के बीच के संबंध को जानेंगे और उनके क्षेत्रफलों में क्या गुण रहते हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ये ऐसा समझ रहे हैं कि बच्चे इस कक्षा के बाद चतुर्भुजों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, समांतर चतुर्भुजों का खासकर, और उससे संबंधित कुछ प्रश्न हल कर पाएंगे? जी, मैं कोशिश तो मेरी यही है कि मैं ऐसा ही कुछ करवाऊंगा इनको, जिसके बाद ये अपने आप करेंगे। आपकी इस सब काम को करने की योजना, प्लानिंग, स्ट्रेटजीज क्या रहेंगे? स्ट्रेटजीज ये विषय मैं पहले शुरू कर चुका हूँ, इसके बारे में कुछ आधारभूत जो बातें हैं मैं बच्चों को बता चुका हूँ। तो आज, क्योंकि मैं कल जब छोड़ा था तो मेरी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी थी, मैं उनमें दो क्वेश्चन खत्म कर चुका था, आज हम उसी को तीसरे क्वेश्चन से शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बच्चों से जरूर जान लूँगा कि कल या परसों जो हमने इसकी जो आधारभूत बातें सीखी थी वो इन्हें पता है या नहीं पता है, क्योंकि हम उन्हीं का इस्तेमाल बीच में करेंगे। तो क्या ये उस समय पर उस फिगर को पर्टिकुलर पहचान करके ये बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे कि यहाँ वो गुणधर्म लागू होते हैं या नहीं लागू होते हैं? तो इसका मतलब ये जो प्रश्न आप हल करेंगे उसके बहुत सारे उद्देश्य आपके हैं, जिसमें से एक उद्देश्य तो यही है कि बच्चे प्रश्न जैसे जैसे आप हल कर रहे हैं वैसे जिन बच्चों को समझ नहीं आया, जो बच्चे अभी तक भी नहीं सीख पाए वो भी सीखेंगे, और जिन्होंने सीख लिया है वो इसके आगे और उपयोग के बारे में सीखेंगे और अपने आप सक्षम हो पाएंगे इस तरह के प्रश्नों को हल करने के, प्रश्नावली के। चलिए, आपका शुभकामनाएं आपके लिए और फिर हम आपसे इस कक्षा के बाद बात करते हैं। थैंक यू सर। हाँ, तो अब तक हमने इस प्रश्नावली को जब शुरू किया, इस चैप्टर को शुरू किया था, तो हमने बात की थी समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफलों के गुणधर्मों के बारे में। तो उस बारे में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो मैंने आपको सोल्व भी करके दी थी, ठीक है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्या आपको वो ध्यान है हमने क्या क्या सीखा था? एक बार बताएंगे क्या सीखा था? कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताएगा। अमित, बताओ भाई क्या सीखा था हमने? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने दो समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। जी, ठीक है, बैठिए, शाबाश। इसके अलावा एक और भी प्रॉपर्टी, एक और भी गुणधर्म हमने सीखा था, जिसमें हमने बात की थी एक समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज के बारे में, वो किसको याद है भाई? बताओ, तुम बता दो। दो समांतर चतुर्भुज और एक त्रिभुज एक ही आधार और एक ही रेखा के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। देखो, बात जो बोलना चाह रहा था वो उसको सही अर्थों में नहीं बोल पाया, लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि शायद बात को ठीक कह रहा है। ठीक है, कोई और इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है? हाँ बताओ, तुम बताओ। एक ही समांतर रेखाओं और एक ही आधार पर बने एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज, जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का आधा होता है। जी, ठीक है भाई, दोनों बातें हमें याद हैं। और आप इन्हें अगर मैं चित्र के माध्यम से बनाऊं तो आप समझ पाओगे कि कहां पर त्रिभुज है और कहां पर समांतर चतुर्भुज है। तो मैं अपनी एक्सरसाइज को आगे शुरू करता हूं। कल हमने दो क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक बार बुक दिखा दीजिए मुझे भाई। क्वेश्चन 3 में क्या कहता है भाई? पी और क्यू क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं डी सी और ए डी पर स्थित बिंदु है, दर्शाइए कि एरिया ए पी बी इक्वल है एरिया बी क्यू सी। अब अगर मुझे इसका चित्र बनाना तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा भाई? एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा जिसका नाम क्या होगा? यह है मेरा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। यह कहता है कि P और Q भुजाओं DC और AD पर स्थित दो बिंदु हैं। DC पर कौन सा बिंदु है? P बिंदु। यहां पर ले लेता हूं मैं, बिंदु P है। और दूसरा बिंदु कौन सा है हमारे पास? वो किस पर है भाई? AD पर है बिंदु Q। तो अब इसने कहा दर्शाइए कि एरिया ए पी बी कहां है भाई? ए पी बी क्या बना? ए पी बी भाई त्रिभुज बनता है ए पी बी। और दूसरा बोला है एरिया बी क्यू सी, वो कहां पर है भाई? बी क्यू सी बी, ये मेरे पास त्रिभुज बी क्यू सी है।
तो अब हमें दर्शाना है कि इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। बराबर हैं? बता सकते हो कैसे बराबर हैं? कोई एक्सप्लेन कर सकता है इस बात को कैसे बराबर होगा? हाँ, कौन बताएगा भाई? बस अमित ही बता सकता है, और कोई नहीं? बताओ कैसे बताओगे? सर ये एक ही आधार, दोनों त्रिभुज एक ही आधार और एक समान, दोनों समांतर रेखाओं के बीच है, ए बी। क्या दोनों त्रिभुज एक ही आधार पर हैं? नो सर। हाँ, एक बीसी पे और एक एबी पे। तो फिर ये बराबर कैसे होंगी, ये बताना है हमें तो भाई। सर क्योंकि एक एक ही समांतर चतुर्भुज के बीच में है। एक ही समांतर रेखाओं के बीच में? यस सर। कौन सी? एपी भी बता सकते हो कौन सी समांतर रेखाओं के बीच में? सर डीसी। डीसी और एबी। डीसी और एबी के बीच में। तो डायरेक्टली तो इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। नो सर, फिर ये इसकी समांतर रेखा, इसका ऊंचाई है सर, और बीसी इसकी, बीसी इसका आधार है। बात ये नहीं है ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या त्रिभुज एपीबी का और त्रिभुज बीक्यूसी का डायरेक्ट कोई रिलेशन है? अमित तुम बताओ कैसे बताओगे इसको। पहले जो त्रिभुज एपीबी है सर, इसका क्षेत्रफल आधा हो जाएगा किससे? एबीसीडी का। एग्जैक्टली दैट, त्रिभुज एपीबी का क्षेत्रफल एबीसीडी का आधा होगा। एबीसीडी का, एबीसीडी का आधा होगा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। इसी तरह से त्रिभुज बीक्यूसी जो है, ये भी एबीसीडी का आधा होगा। और जब दोनों चीजें एक ही चीज से आधी हैं, इसका मतलब दोनों बराबर है। यही दिखाना था हमें इसके अंदर। बाकी इसका सॉल्यूशन है, मैं इसको कर देता हूं कहां यहां पर। देखिए, हम कहेंगे सबसे पहले त्रिभुज एबीसी तथा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी एक ही आधार। कौन सा है वो? कौन सा है वो आधार? ए बी। तथा ओहो, ए पी बी है, ठीक है भाई। ए बी तथा एक ही समांतर रेखाओं, वो कौन सी है भाई? ए बी और सी डी है के बीच बनी है। तो इनका संबंध आप कैसे दिखा सकते हैं? एरिया ए पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ए बी सी डी, ठीक है भाई। इसी प्रकार अब आप क्या कहेंगे? ये भी हाफ होगा। yes, क्योंकि ये भी एक ही आधार पर है। yes, अब की बार हमारा आधार कौन सा है? BC. और ये भी एक ही समांतर भुजाओं के बीच में है। yes, कौन सी? BC और AD. तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल भी इस ABCD के क्षेत्रफल का आधा होगा। इसी प्रकार आप कह सकते हैं एरिया BQC जो होगा वो इक्वल होगा हाफ ऑफ एरिया ABCD। अब आप इसे चाहें तो इसे समीकरण एक के रूप में दिखा सकते हैं और इसे दो के रूप में। और आप जब एक और दो की तुलना करते हैं, आप जब एक और दो को कंपेयर करते हैं, तो आप ये पाते हैं कि ये दोनों ही चीजें एक ही चीज के बराबर हैं। इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। आप लिखेंगे एक व दो से, क्या लिखेंगे यहां पर? एरिया ए पी बी एरिया बी क्यू। आप लिख लीजिए इसे भाई, समझ में आ गया सभी को? अब आप इसे लिख लीजिए भाई। क्वेश्चन 6 है हमारे पास भाई। इसके बाद एक बार जरा हम इस पर पहले आएंगे, बाद में बीच के क्वेश्चनों को देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए करने के लिए है। एक किसान के पास समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस के रूप का एक खेत था। उसने RS पर स्थित एक बिंदु A लिया और उसे P और Q से मिला दिया। खेत कितने भागों में बढ़ जाता है? इन भागों के आकार क्या हैं? यह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, तो वह ऐसा कैसे करे? अपनी अपनी कॉपी में इसका एक बार चित्र बना सकते हो, बनाकर दिखाओ जल्दी से। PQRS एक समांतर चतुर्भुज लीजिए, ठीक है, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है RS पर एक बिंदु A लीजिए और उसे P और Q से मिलाइए।
हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ सही है बिल्कुल, ठीक है भाई बिल्कुल। इसको नाम नहीं दिया है, वैसे ही बना दिया है, बना बना। हाँ ठीक है भाई बिल्कुल ठीक है, ठीक है भाई ठीक है ठीक है ठीक। ये है मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज के आकार का खेत जिसका नाम है पी क्यू आर एस। आप इन पॉइंट्स को कैसे भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप इस तरह से लीजिए कि पी क्यू आर एस ही पढ़ा जाए इसे, ठीक है। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता ना यहाँ आर ले लूं और यहाँ पर एस ले लूं, क्यों ऐसा करने से क्या होगा, क्या नाम पढ़ा जाएगा अब इसका बताओ, पी क्यू, जबकि हमें पढ़ना क्या है इसे, तो इसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि एक सीक्वेंस में इसका नाम लिखा जाए पी क्यू आर एस। अब इसने कहा कि भुजा आर एस के ऊपर एक बिंदु है ए, स्पेशली तुझे बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखियो कि क्या मैं यहां पर ए बिंदु ले सकता हूं, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि तो एस है ना हमारे पास, ये तो मेरे पास क्या है एस है, तो मुझे यहां नहीं लेना, क्या मैं यहां ले लूं, तो कहां लूं फिर मैं ए बिंदु, जरूरी है कि यहां लूं, यहां नहीं हो सकता, लेकिन होगा इसी भुजा के ऊपर कहीं भी, ठीक बात है, समझ में आई मेरी बात, क्या बता रहा था मैं, तो मैं इस बिंदु को यहां लगा लेता हूं, ठीक है। अब इसने क्या कहा इसके बाद, इसे P और Q से मिला दो, ठीक है भाई। अब हमारे पास इस जो चित्र तैयार है इस क्वेश्चन का, जैसा इसने बोला है उसके अनुसार, अब आप अपने इस क्वेश्चन को पढ़िए क्या कहता है। पहला प्रश्न इसने आपसे क्या किया, हाँ क्या कहते हो, कितने भागों में बट गया, तीन, तीन भाग कैसे हैं, आकृति बता सकते हैं, तीन भागों में क्या है, ये तीनों तीन त्रिभुज हैं, नाम पढ़कर बताओ, ये तीन त्रिभुज है मेरे पास। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो हमें यही मिल जाता है कि हमारा खेत अब तीन भागों में बट गया है। अब हमारे पास है इसका दूसरा प्रश्न, वो प्रश्न क्या है भाई, इन भागों के आकार क्या है, ये भी आप बता चुके हो भाई, क्या आकार है भाई, त्रिभुज है। फिर आता है तीसरा प्रश्न, वह किसान खेत में गेहूं और दालें बराबर बराबर भागों में अलग अलग बोना चाहता है, ये चाहता है कि कितनी फसल बोए, कौन सी, और इस तरह की व्यवस्था चाहता है कि जितने क्षेत्रफल पर गेहूं बोया जाए उतने पर ही दाल बोई जाए। पहले तो मुझे ये बताओ क्या ये किसान ऐसा कर सकता है इस क्षेत्र में, अगर आप इस किसान की जगह हो, आप सोचो कि आप ये किसान हो और आपने ऐसा बांटा है, तो आप गेहूं और दाल कैसे बोओगे, कोई बता सकता है मुझे, हाँ कहां बोना चाहोगे गेहूं और कहां दाल बोना चाहोगे, सही जो पी पी ए क्यू है ना स्थान, उसमें गेहूं और क्यू आर ए और पी ए एस यहाँ पर दाल बराबर, ये ठीक कह रहा है भाई, ऐसा करने से बराबर बराबर हो जाएगा, चलो ये तो आपने बता दिया, क्यों कोई ये बता सकता है कि इसका कारण क्या है कि ये बराबर बराबर हो जाएगा, क्या मैं बताऊं सर, नहीं अब तुम बैठ जाओ, अब किसी और की बारी है बताने की, ऐसा क्यों हुआ कि इस जगह पर गेहूं और इन दोनों जगहों पर दालें बोने पर क्षेत्रफल बराबर बराबर है गेहूं और दालों का, कौन बता सकता है, तुम बताओ, क्योंकि सर पी ए क्यू एक बड़ा त्रिभुज है और सर इसका क्षेत्रफल पी ए एस तथा ए क्यू आर के बराबर है, ये तो सही कारण नहीं है भाई, तुम बताओ, तुम बैठो, सर्गो के त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधा होता है, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ एक प्रश्न और उठाना चाहूंगा कि क्या हमेशा ऐसा होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है, ऐसा कब होता है, जब वो एक ही आधार, तो अपनी बात को पूरा बोलो कि यहाँ पर
यहाँ पर ऐसा कहाँ लागू हुआ आप बता सकते हो मुझे? चलो सर एक आधार सर PQ और समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर SR और PQ के बीच में है, ठीक है। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज बना है कौन सा? PQRS, वो सर APQ। इसका इस पूरे समांतर चतुर्भुज से क्या संबंध है? आधा है, बैठ जाओ। हाँ, PAQ जो है वो आधा है PQRS का। अब सवाल उठता है कि इस पूरे चतुर्भुज के क्षेत्रफल में से आधा तो इसके अंदर आ गया, बाकी आधा कहाँ है? बाकी आधा कहाँ पर है भाई? बाकी आधा इन दो त्रिभुजों में है। तो इसीलिए ऐसा होगा ना कि अगर हम आधी जगह पर गेहूं बोएंगे तो बाकी आधी जगह हमारे पास बच जाएगी जहां पर हम क्या बो देते हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? दोनों क्षेत्रफल बराबर बराबर होंगे। बस यही प्रश्न था भाई हमारा। समझ में आ गया सभी को? अब हम वापिस चले अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहीं पर हम दोबारा से इस खेत को बनाते हैं PQRS। जैसी अभी पीछे उसने गड़बड़ की, उसे पता नहीं लग रहा था कि RS पर A बिंदु कहां होना चाहिए, वो यहां लगा रहा था। चलिए अगर मैं यहीं पर A बिंदु लगाता हूं तो R और अब A एक ही जगह पर हो गए हमारे पास। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे बताइए कैसे मिलाना पड़ेगा हमने A को किस A को Q से मिला दिया। अब ये खेत कितने भागों में बटा भाई? दो भागों में बटा। वो दोनों क्या है? नहीं, मेरे पूछने का मतलब मैं इनके नाम नहीं पूछ रहा था, मैं पूछ रहा हूं कि वो दोनों आकृतियां क्या हैं? त्रिभुज है। अच्छा अब बताइए क्या ये किसान अब इस खेत पर भी वही व्यवस्था कर सकता है जो यहाँ की थी इसने, यानी कि आधी जगह पर गेहूं आधी पर दाल, क्या ऐसा यहाँ पर हो सकता है? कैसे हो सकता है बताइए? आधा आधा बांट रहे हैं? Yes, sir. मतलब ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर हैं? Yes, कैसे बराबर हैं? विकर्ण बराबर दो भागों में बांटता है। अच्छा चलो मान लेते हैं। वैसे ये नियम लागू नहीं होता यहाँ पर कि ये त्रिभुज इसलिए इसका आधा है कि एक ही आधार पर है, एक ही समांतर भुजाओं के बीच बने हैं। कौन कौन? ये वाला त्रिभुज और ये पूरा समांतर चतुर्भुज। अच्छा इसी बात को मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम भी हैं। कैसे सर्वांग सम है बताओ? सर ये PR जो है सर कॉमन है सर, और सर ये RS और PQ समांतर सर। समांतर हैं? यस सर। तो समांतर होने से ये सर्वांग सम हो जाएगी? सर, बराबर, बराबर कहो ना, समान कहो। क्यों बराबर है ये बता सकते हो? आमने सामने की भुजाएं। अच्छा एक तो ये भुजा सांझी हो गई, एक आपने ये बता दी, क्या और भी कुछ है? हाँ PS और QR भी बराबर है क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। मतलब ये हुआ कि इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं और इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर है। और अगर ऐसा है तो ये त्रिभुज सर्वांग सम है, और इसके बारे में हमने पहले बात की थी कि जब दो आकृतियां सर्वांग सम होती हैं तो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। सो हम इसी बात को यहां लगाते हैं। अगर हम इस बिंदु को ए बिंदु को एस पर ले लें तो क्यू से मिलाएंगे और एपी को भी मिलाएंगे। क्या अब भी यही व्यवस्था हो जाएगी भाई? क्योंकि कहानी वही है, कहानी अभी वही है क्योंकि ये अभी भी करण है। और अब भी हम इस बात को तीन तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक तो ये कि ये त्रिभुज PQS या PQA लगाइए, ये त्रिभुज और ये पूरा समांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समांतर भुजाओं के बीच में है, तो इसलिए इसका क्षेत्रफल पूरे से आधा है, तो आधा ऊपर है। दूसरी तरह से इस बात को कैसे कह सकते हैं भाई? सर्वांगसम से भी कह सकते हैं। और तीसरा हम आप जानते ही हैं कि विकर्ण जो होता है वो दो बराबर त्रिभुजों में बांट देता है। तो आज मैं इसे अभी यहीं पर छोड़ रहा हूं।
ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है। हमारे पास कितने क्वेश्चन अभी बचे हैं? दो क्वेश्चन बीच में बचे हैं, और इतना तो आप समझ चुके हैं कि इस प्रश्नावली में आने वाले हर क्वेश्चनों में हमारे पास यही दो नियम काम कर रहे हैं, या तो एक ही आधार और एक ही समांतर भुजाओं के बीच में बने हुए दो समांतर चतुर्भुज आ रहे हैं, या एक ही आधार और एक ही समांतर भुजाओं के बीच में बना एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज आ रहा है। दोनों के संबंध आपको अच्छी तरह से पता है। yes, तो आज हम घर में कोशिश करेंगे कि इन दोनों क्वेश्चंस पर हम कितना काम कर सकते हैं। yes, ठीक है, जितना भी हो सके, जैसा भी हो सके, जैसे भी आप कर सकते हो, मुझे करके कल जरूर दिखाइएगा। yes, ठीक है, और हमने जो सीखा है उसे घर से एक बार जरूर पढ़िएगा भैया। yes, ठीक है जी। yes, थैंक यू। वेल पंकज जी, आज आपने ये कक्षा पढ़ाई, आप इस कक्षा में आने से पहले कुछ सोच कर आए थे, आपके कुछ उद्देश्य थे, आपके उन उद्देश्यों में से कितने उद्देश्य आपको लगता है कि पूरे हो गए? देखिए सर, जितना अभी मैंने पढ़ाया है और जिस तरह का बच्चे फीडबैक मुझे दे रहे हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी बच्चों ने सीख लिया है, लेकिन मैं अभी तक ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरी तरह सब बच्चों ने सीखा होगा। उसके लिए मुझे कुछ अलग से टाइमिंग देनी होगी। जब मैं इस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ, मैं उन बच्चों से अलग से बात करूँगा, उन बच्चों से अलग से पूछूंगा, और हो सकता है मुझे उनको अलग से कुछ टाइम भी देना पड़े इस चीज़ को दोबारा सिखाने के लिए। सर, आपको कैसे पता लगा कि कुछ बच्चों को अभी अच्छी तरह ये चीज़ समझ नहीं आई? मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सचमुच अच्छे कुछ बच्चों को समझ में नहीं आई होगी, लेकिन मुझे अंदाजा है कि बहुत से बच्चे ऐसे बैठे होते हैं जो पीछे बैठे रहते हैं, या इधर उधर छिपे बैठे रहते हैं, या जो क्लास में बोलना नहीं चाहते हैं, जो रिस्पांस नहीं देते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि शायद उनको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है। तो लेकिन मेरी समस्या ये है कि अभी मैं उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीख रहे हैं उस क्लास को रोक नहीं पाता हूँ सर, ठीक है, क्योंकि मुझे दिए गए टाइम पीरियड में अपना सिलेबस भी कम्प्लीट करना है, ठीक है, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि जिन बच्चों ने नहीं सीखा वो कुछ जरूर सीखे ताकि आगे काम आए उनको। आपको ऐसे बच्चों का कैसे पता लगेगा कि इन बच्चों ने नहीं सीखा या कम सीखा? इसके लिए मेरे पास आगे टाइम है, जब मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूंगा, तो ख़त्म करने के बाद एक तो पहला होता है कि हम इनकी कॉपी वगैरह चेक करते हैं तो उससे पता लगता है, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो धोखाधड़ी से काम कर लेते हैं। बट उसके बाद जो है कुछ हम बच्चों से जैसे पर्सनल क्वेश्चन वगैरह करते हैं, जैसे एक टेस्ट की तरह से आप बोल सकते हैं, हम उस तरह की जब एक्टिविटी करेंगे तो उससे मुझे जरूर पता लग जाएगा किस बच्चे ने अच्छी तरह सीखा और किसने नहीं सीखा है। अच्छा, और अगर आपको ये लगता है कि आपके सारी पूरी एक्सरसाइज के बाद आपकी कक्षा के 40-50% बच्चे अभी भी ऐसे रह गए जिन्हें समझ नहीं आया, जिन्हें पूर्णतः जो नहीं सीख पाए, तब आप क्या करेंगे? तो उनके लिए मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, चाहे मैं स्कूल टाइम से पहले लूँगा, चाहे मैं स्कूल टाइम के बाद में लूँगा सर। और अगर ये लगता है कि आपकी कक्षा के सिर्फ 30-40% बच्चों को पता लगा है, 60-70% बच्चे अभी तक नहीं समझ पाए, तब क्या करते आप? तब भी मैं यही करता सर, क्योंकि 60% के लिए भी एक्स्ट्रा टाइम निकालते। बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइम निकालता सर। पीरियड में वो जो 30% बच्चे जो समझ चुके हैं उनको क्या करेंगे उस पीरियड में? सर, वो उन्हीं चीज़ों को दोबारा से रिपीट करेंगे। ये हो सकता है कि उन्होंने जो सीखा हुआ उसमें कुछ ज्ञान की कमी है तो वो वृद्धि होगी उसके अंदर, और साथ साथ प्लस जो बच्चे नहीं सीख पाए। हो सकता है का हम आकलन कैसे करते हैं कि किस बच्चे ने कितना सीख लिया? हो सकता है तो मुझे आकलन करना पड़ेगा ना, 30% बच्चों में भी कौन सा किस स्तर पर है, उसका मैं कैसे पता लगाऊं? उसका पता लगाने के लिए मुझे सर, मैंने अभी बताया कि हम छोटा मोटा जो टेस्ट वगैरह जैसा भी लेते हैं, जैसी भी एक्टिविटी करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है सर कि किस बच्चे ने कितना सीखा हुआ है सर, ठीक है। इसके अलावा बच्चा, ये तो टीचर जो है वो क्लास में ही भाप लेता है कि किस बच्चे ने सीख लिया है अच्छे तरीके से, क्योंकि बच्चा जब क्लास के अंदर रिप्लाई करता है, क्वेश्चंस के आंसर देता है, वो क्लास के अंदर इंक्लूड होता है, जब क्लास के अंदर इंटरेक्शन करता है, तो हम उस बात को देख करके समझ जाते हैं कि बच्चा हाँ कर रहा है, उसको मजा आ रहा है करने के अंदर। नहीं तो बच्चे का अगर कक्षा में बच्चा बोल नहीं रहा है, क्या ये मायने हम समझ सकते हैं कि बच्चे ने सीखा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन मेरे लिए तो अभी वो डाउटफुल बात है कि उसने सीखा है या नहीं सीखा है, उसके लिए मुझे कुछ अलग से उससे करना पड़ेगा, तभी मुझे पता लगेगा कि हाँ उसने सीखा है या नहीं सीखा है। एक बच्चे ने डायग्राम गलत बनाया था आपकी कक्षा में जी, आपको क्या लगता है कि अब इतनी इंटरवेंशन के बाद वो बच्चा उसको समझ पाया कि उसकी डायग्राम गलत क्यों थी? बिल्कुल जैसा मैंने उसको बताया है, तो मुझे अब उम्मीद है कि वो जरूर सीख गया होगा इस चीज़ को। अब आप कैसे टेस्ट करेंगे कि हाँ सही में ही वो सीख गया? अपनी उम्मीद को आप पक्का कैसे करेंगे? एक मैं उसके सामने चित्र बनाकर उसे बोल दूंगा कि ए बी पर एक बिंदु पी लेकर दिखाओ। अच्छा, जैसा मैंने उसे बताया था, अगर वो उसी के अनुसार मुझे लेकर दिखाते तो इट मीन मैंने जो बताना चाहा था मैं सफल रहा हूँ सर उसमें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा। और दोस्तों, हम इसी चर्चा को और आगे जारी रखेंगे और देखेंगे कि इस तरह की कक्षाओं से क्या निकल कर आ रहा है और हम इससे क्या सीख पा रहे हैं। हमारे सीखने का तात्पर्य ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चे कैसे सीखते हैं, और बच्चों के सीखने की इस प्रक्रिया को हम जरूर जानना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच।